दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपने एक्सेल के अंदर कैसे हम लोग गज को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या कि जैसे मान लीजिए आपके पास जमीन है या आप कारपेट का काम कर रहे हैं या कुछ और ऐसे काम कर रहे हैं जहाँ पे गज निकालने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने एक्सेल के अंदर गज को कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, यहाँ पे हम एक्सेल पर हमने गज कैलकुलेट किया हुआ है और इस तरफ से हमने कुछ सेटअप बनाया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसने क्या काम किया है, B4 × 12। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये हमारा B4 सेल एड्रेस है, मतलब ये हमारा फिट में है और इसके अंदर 12 का गुणा किया गया है। फिर इस फिट को, मतलब जितने भी फिट हैं, इस फिट को यहाँ पे हाइट वाले को 12 से गुणा किया है और विड्थ वाले को भी 12 से गुणा किया गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1296 से भाग दिया गया है। सबसे पहले हम नियम को जान लेते हैं। यहाँ पे जो रूल है, आप देख रहे हैं, एक फिट बराबर 12 इंच होता है और एक गज बराबर आप 3 फिट कर सकते हैं, या फीट को अगर हम इंच में बदलेंगे तो 36 इंच दे रहा है। और इसी को, क्योंकि 3 फीट या हाइट होगा और 3 फीट विड्थ होता है, अगर हम 36 इंच का 36 इंच में गुणा करते हैं तो 1296 इंच आता है। तो यहाँ पर निकला हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं और फिर से हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे और कोष्टक लगा लेते हैं और फीट वाले पे क्लिक करने के बाद हम गुणे का निशान लगाएंगे, फिर 12 टाइप कर देंगे क्योंकि फीट को हम इंच में बदल रहे हैं। फिर कोष्टक को बंद करने के बाद फिर गुणे का निशान लगाएंगे और फिर कोष्टक लगाएंगे, फिर 8 फीट वाले क्लिक करेंगे, फिर गुणे का निशान और फिर 12 से गुणा करेंगे और कोष्टक बंद करने के बाद भाग का निशान देंगे और इसमें 1296 से भाग दे देंगे क्योंकि एक गज बराबर 1296 इंच होता है। उसके बाद हम इंटर प्रेस कर लेंगे। अब आपके सामने गज निकल आ गया है और मैंने जो भी गज है उसकी रेट जो भी कर लीजिए काम करने का, या चाहे जैसे 120 रुपये आ रहा है, 120 रुपये दिया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि कुल टोटल अमाउंट उसका कितना हुआ, तो गज में जितना भी गज आया हुआ है उसके अंदर 120 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 533 रुपये हो गया। दोस्तों, एक चीज़ और देख रहे हैं आप, यहाँ पे फीट और इंच नहीं है, लेकिन मैंने दूसरे वाले में यहाँ फीट और इंच दोनों की एंट्री की हुई है। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से इक्वल टू का साइन पुस्तक लगाएंगे और 5 फीट पे क्लिक करने के बाद गुणे 12, लेकिन हम यहाँ प्लस का साइन कर लेंगे और ये 10 इंच है इसको हम प्लस कर लेंगे। फिर कोष्टक बंद करने के बाद फिर गुणे का निशान लगाएंगे और फिर कोष्टक स्टार्ट करेंगे, इस बार 8 फीट पे क्लिक करने के बाद गुणे का निशान 12 प्लस ये जो इंच बच रहा है हम इसको जोड़ लेंगे, फिर कोष्टक बंद करने के बाद फिर भाग का निशान लगाएंगे और 1296 से भाग दे देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए आप, मैंने 5 फीट 10 इंच और 8 फीट 10 इंच का जो गज निकाला तो ये 5 गज और 7.7 पॉइंट आ रहा है। अब हम मान लीजिए इसका कुछ रेट दे देते हैं, 150 रुपये इसका रेट है वर्क करने का। फिर अमाउंट निकालने के लिए बराबर निशान लगाएंगे, फिर गज क्लिक करेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे और रेट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये इसके टोटल अमाउंट इसका कितना हुआ यहाँ पे निकल के आ जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।